आपने क्या? अच्छा, 3, 4, 5, 6 में काम आने वाले, जो कि कोई क्लास में पढ़ते हैं, जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। सामान्य ज्ञान सबके लिए होता है, सब क्लास के लिए होता है, तो इसमें जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। पहला बता रहे हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीपति इंदिरा गांधी। भारत की चौहद्दी क्या है? चौहद्दी सोचेंगे, चौहद्दी क्या है? हमको भी जमीन हो, मकान हो, उसका चौहद्दी पूछा जाता है, समझे? तो भारत के चौहद्दी, जैसे भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वतमाला है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? अरब सागर। अभी हम लोग जो हैं गुजरात सूरत में, तो कौन सी दिशा है? भारत की पश्चिम दिशा है। पश्चिम में जाते हैं तो अरब सागर दिखाई देता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर है। और भारत उत्तर में हिमालय पर्वत माला है। हमारे भारत के तीनों पानी है और एक ही दिशा में है जो पूरा हिमालय पर्वत माला है। आगे गुजरात के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री अभी हाल में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? श्री विजय भाई रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। हमारे गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। गुजरात का बड़ा जिला, गुजरात में जो जिला है सबसे बड़ा कच्छ, और भारत का गुजरात का सबसे छोटा जिला डांग। गुजरात में जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 33। 33 कितनी है? 33। सूरत के पुलिस कमिश्नर कौन है? सी आर बी ब्रह्म भट्ट। सूरत जिला के मेयर कौन है? श्री जगदीश पटेल। सूरत जिला के मेयर कौन है? श्री जगदीश पटेल। अब आगे चलते हैं। सूरत जिला में कितने तहसील हैं? सूरत जिला में कितने तहसील हैं? 10। ठीक है। गुजरात राज्य में कितने महानगर पालिका है? गुजरात महानगर पालिका टोटल 8 है। हम किस महानगर पालिका में? अभी हम सूरत महानगर पालिका में, उसको शॉर्ट में SMC बोलते हैं, सूरत महानगर पालिका। सूरत के कलेक्टर कौन है? श्री धवल पटेल। जनता कर्फ्यू कब लगा था? आप सबको मालूम होगा हमारा देश में जनता कर्फ्यू लगा 22/3/2020, 22 मार्च 2020 दिन रविवार था। उसे बताया गया सभी को पूरे भारतवर्ष में घंटी बजाकर, ताली बजाकर, शंख बजाकर, थाली बजाकर, सबको एक साथ मिलकर जनता कर्फ्यू के दिन उस समय घंटी बजाना है, थाली बजाना है, शंख बजाना है, तो सभी लोगों ने आनंद लिया और इस दिन जनता कर्फ्यू रखा गया। ठीक है, ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको जानकारी नहीं होती है, तो एक जो पूरा क्वेश्चन बताया गया है इसको अच्छे से याद रखेंगे, बल्कि एक बार और आपको हम दोहरा देते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की चौहद्दी क्या है? भारत की चौहद्दी है उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। गुजरात का बड़ा जिला कच्छ।
छोटा जिला गांव। गुजरात में जिलों की संख्या 33 है। आपके जिले के रहते हैं, सूरत जिला के रहते हैं। सूरत के पुलिस कमिश्नर कौन है? श्री आरजी ब्राह्मण भट्ट है। सूरत जिला के मेयर कौन है? श्री जगदीश पटेल है। सूरत जिला में कितने तहसील हैं? 10 तहसील हैं। गुजरात राज्य में कितने महानगर पालिका है? 8 महानगर पालिका है। सूरत के कलेक्टर कौन है? श्री धवल पटेल है। जनता कर्फ्यू कब लगा? 22 जून 2020 दिन रविवार था। सभी जनता को बोला गया, पूरे भारतवर्ष में घंटी बजाकर, ताली बजाकर, थाली बजाकर, शंख बजाकर, एक साथ सबको मिलकर जनता कर्फ्यू का स्वागत किया। ठीक है, धन्यवाद। इसको रन कर लीजिएगा, नोटबुक में कंप्लीट कीजिए और अच्छे से याद रखिए।